या तो पैनल पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अंडर डिफरेंट लोड, तो ब्रैकेट में लिखा है फेरांटी इफेक्ट। तो फेरांटी इफेक्ट आपने पढ़ा है कि फेरांटी इफेक्ट तभी आता है जब हमारा रिसीविंग साइड में जो लोड है वो कैपेसिटिव लोड कनेक्टेड। इसके बाद तो यहाँ पे हम तीन टाइप के लोड लगाएंगे, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। ये हमारा लोड साइड है, ठीक, मतलब रिसीविंग एंड, ये हमारा सेंडिंग एंड है। इसके बाद यहाँ पे देखिए Z1, Z2, Z3, Z4, ये चार जो है छोटे छोटे ट्रांसमिशन लाइन है। तो हमको क्या करना है कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बनानी है, तो ये चारों को हम सीरीज में कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बनेगी। इसके बाद अब इसमें रीडिंग देखिए, यहाँ पे VS है, सप्लाई वोल्टेज कितना दे रहा है सेंडिंग एंड पे, IS है, सप्लाई करंट कितनी जा रही है। इसके बाद ये पावर फैक्टर बताएगा कि लोड का पावर फैक्टर क्या है, यहाँ पे लोड लिखा हुआ है। ये VR है, रिसीविंग इन वोल्टेज, IR रिसीविंग इन करंट। ये हमारा रेजिस्टिव लोड बल्ब लगा दिए रेजिस्टिव लोड के लिए। इसके बाद इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए अंदर हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर इस पैनल के अंदर लगा हुआ है। बस हमको ये पोर्ट चेंज करना है कि कौन सा लोड पे हमको ऑपरेट करवाना है इसको। तो सबसे पहले हम इंडक्टिव लोड केस में देखेंगे, तो इंडक्टिव केस में क्या होगा कि सेंडिंग इन का वोल्टेज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिसीविंग इन वोल्टेज, ये इंडक्टिव लोड केस में होता है। कैपेसिटिव लोड केस में क्या होता है कि सेंडिंग इन का वोल्टेज कम होता है एज कम्पेयर टू रिसीविंग इन वोल्टेज, उसी को बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। क्योंकि हमको क्या होना चाहिए कि रिसीविंग इन का वोल्टेज हमेशा कम मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू सेंडिंग इन, लेकिन ऐसा कैपेसिटिव केस में नहीं होता है। और रेजिस्टिव में क्या होगा, रेजिस्टिव लोड लगाएंगे तो VR की वैल्यू कम होगी VS। ये हमारा तीन मोड है लोड का। तो सबसे पहले हम इस MCB को ऑन करेंगे, मेन MCB है, इसको ऑन कर दिया। इसके बाद ये हमारा रिवर्स्टेड है और यहाँ पे देखिए L लिखा हुआ है, ये हमारा L लिखा हुआ है, मतलब इंडक्टिव लोड है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेंडिंग इन की वोल्टेज हम बढ़ाएंगे और 230 वोल्ट कर देंगे। तो इसको हम 230 वोल्ट पे ले जाएंगे, तो उस केस में हम रिसीविंग इन पे देखेंगे कि कितना वोल्टेज और करंट मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि 230 वोल्ट पे हमने सेट कर दिया इस वैल्यू को, 230 वोल्ट पे सेट कर दिया। तो IS की वैल्यू है 0.52 एम्पियर। इसके बाद पावर फैक्टर अभी नहीं बता रहा है। VR की वैल्यू है 29 वोल्ट। इसके बाद करेंट की वैल्यू है 0.56 है। तो ये तो हो गया IR, ये VR हो गया, पावर फैक्टर हमारा इंडक्टिव लोड है, यहाँ पे यार लिखा हुआ इंडक्टिव लोड है, इस केस में हमारा हो गया, क्योंकि ये वैल्यू कम मिलेगा ये वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। तो ये हो गया इंडक्टिव केस का नेचर। इसके बाद जस्ट हम करेंगे यहाँ पे अब इंडक्टिव केस में क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे और कैपेसिटिव पे ला देंगे। ये हमारा एक कैपेसिटिव केस हो गया। तो जैसे हमने कैपेसिटिव किया तो देखिए हमने बोला था कि VR की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी VS से, यही हमारा फेरांटी इफेक्ट। तो यहाँ पे 226 वोल्ट बता रहा है और यहाँ पे 265-66 वोल्ट बता रहा है, तो VR की वैल्यू बढ़ गई एज कम्पेयर टू VS। ये फेरांटी इफेक्ट का केस हमको मिल गया। और यहाँ पे C लिखा है, इसका मतलब कैपेसिटिव लोड है और पावर फैक्टर की वैल्यू दे रहा है यहाँ पे 0.09 लीडिंग। ये हमारा हो गया कैपेसिटिव केस। तो ये फेरांटी इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल गया। इसके बाद रेजिस्टिव लोड लगाएंगे, तो हमने बोला था कि रेजिस्टिव के लिए बल्ब लगा देंगे, इस स्विच को हम क्या करेंगे रेजिस्टिव लोड चला देंगे। यहाँ पे नीचे रेजिस्टिव लोड था, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद इस केस में VR की वैल्यू कम मिलेगा, यहाँ पे जैसे ही बढ़ाएंगे वोल्टेज तो बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ेगी, यहाँ पे बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ रही है। और जैसे ही वोल्टेज रिसीविंग इन पे ज़्यादा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ेगा। यहाँ पे हमें 102 वोल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे 102 वोल्ट पे बल्ब ऑपरेट कर रहा है, तो ये ब्राइटनेस है।
तो करंट कितना बल्ब ले रहा है, तो 0.26 एम्पियर ले रहा है। तो आई आर वी आर हो गया आई एस। सप्लाई पे कितना हमने करंट दिया, 0.26, और यहाँ पे वी एस कितना दिया, 2233 233 वोल्ट। और रेजिस्टिव लोड के केस में हमारा पावर फैक्टर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पावर फैक्टर बता रहा है। ये हमारा हो गया। इसको केवल आपको स्टडी करना है, इसमें कोई रीडिंग नहीं है, स्टडी करना है आपको ये पैनल से।